नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। प्यार दोस्तों, आज भी हम आपके लिए झारखंड जीके का एक मॉक टेस्ट लेकर आए हैं प्रतिदिन की भांति। हाँ, हमने पिछले क्लास में भी आपको बोला था कि अगर आप मॉक टेस्ट बनाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से जा कर के आप पहले मॉक टेस्ट को बना लें, उसके बाद वीडियो के माध्यम से आप सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लीजिए, जो झारखंड में होने वाले सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है आपके लिए। आइए देखते हैं आज के मॉक टेस्ट का पहला प्रश्न। झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड में जो पहली बार जनगणना हुई थी वह जनगणना हुआ था वर्ष 1872 में। कब हुआ था? 1872 में। तो झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? 1872 में। ऑप्शन नंबर सी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है आपके लिए। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या दूसरा, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज संचित हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 73, 73%। है ना, झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज जो है संचित हैं? तो 73% खनिज जो है संचित हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या तीसरा, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बाबूलाल मरांडी। कौन थे झारखंड के पहला मुख्यमंत्री? बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर आइए। प्रश्न संख्या चार, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? है ना, झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2009। क्या हो जाएगा? 2009 में। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या पांचवा, झारखंड में कितने जिले हैं? अब देखिए, झारखंड में कुल जिलों का जो संख्या है वह संख्या है 24। कितना मेरे भाई? 24, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाइए। प्रश्न संख्या छः, झारखंड में कितने सदन हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1। नहीं, झारखंड में कितने सदन हैं? तो 1। अगले सवाल की ओर बढ़िए। प्रश्न संख्या सातवा, झारखंड राज्य का आकार किसके समान है, यानी कैसा है? चतुर्भुजाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है, कैसा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चतुर्भुजाकार है। नहीं, झारखंड राज्य का जो आकार है कैसा है? चतुर्भुजाकार है। आगे आ जाइए। प्रश्न संख्या आठवा, झारखंड राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। नहीं, झारखंड राज्य का जो है राजकीय पशु जो है ना, वह क्या है आपका? हाथी, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या नौ, झारखंड राज्य का गठन जो है कब हुआ? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है ना, वह हो जाएगा आपका डी 15 नवंबर 2000 को। नहीं, झारखंड राज्य का जो गठन हुआ वह कब हुआ? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 10, झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु किस वर्ष शुरू की गई? है ना, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2001। झारखंड में मुख्यमंत्री ग्राम सेतु का शुरुआत किस वर्ष हुआ? 2001 में। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 11, झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 9 अगस्त 1995 को। झारखंड क्षेत्र स्वागत परिषद का गठन कब हुआ था? 9 अगस्त 1995 को। आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की ओर आइए। झारखंड में कितने जनजातीय समूह हैं, यानी झारखंड में कुल जनजातीय समूहों का संख्या कितना है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 32। झारखंड में जनजातीय समूहों का जो संख्या है वह कितना आपका? 32। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 13, झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। झारखंड में कुल विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 7, है ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल की ओर आ जाइए। प्रश्न संख्या 14, झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार हैं? झारखंड में कुल कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? हमने आपको एक स्पेशल वीडियो बना दिया है झारखंड की मिट्टी से संबंधित, है ना, कुछ ही दिन पहले, तो आप उसको जाकर के क्लियर कर लीजिए, मिट्टी से संबंधित सारा प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। तो झारखंड में हमने आपको बताया था मिट्टी का जो कुल प्रकार है वह कितना है आपका? तो 6 प्रकार। कितना? 6 प्रकार, ऑप्शन नंबर बी।
प्रश्न संख्या 15, झारखंड किस राज्य से कटकर बना है, सब कोई जानता है ना। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किससे, बिहार से, है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 16, झारखंड का स्थापना दिवस कब है, अभी हमने पीछे बताया आपको, है ना। तो झारखंड का स्थापना दिवस जो है 15 नवंबर को है, कब है, 15 नवंबर को, है ना। आगे आ जाइए, प्रश्न संख्या 17, झारखंड बनते समय राज्य में कितने जिले थे, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 18। झारखंड बनते समय उस समय जो है राज्य में जिलों का संख्या कितना था, 18, वर्तमान में जिला का संख्या कितना है, 24। अगले सवाल की ओर आ जाइए, प्रश्न संख्या 18, झारखंड में छोटा नागपुर टेनसी कानून किस वर्ष बनाया गया, है ना। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, है ना। झारखंड में जो है ना छोटा नागपुर टेनसी कानून किस वर्ष बनाया गया, 1908 में। अगले सवाल की ओर आ जाइए, झारखंड में सर्वाधिक महिला सशक्तता वाला जिला कौन है, यानी वैसा कौन सा झारखंड का जिला जहां महिला सशक्तता जो है वो अधिक है, सर्वाधिक है। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रांची। क्या हो जाएगा, रांची। प्रश्न संख्या 20, हुंडरू जलप्रपात किस जिले में है, तो आपको बता देना चाहते हैं कि हुंडरू जलप्रपात जो है वह झारखंड के रांची जिला में स्थित है, कहाँ, रांची जिला में, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 21, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है, पीछे भी हमने चर्चा कर दिया, सेम प्रश्न रिपीट है, तो आपका उत्तर हो जाएगा बाबूलाल मरांडी, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ जाइए, जतरा टाना भगत ने किस वर्ष शुद्धि आंदोलन की शुरुआत की थी, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, 1914। अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए, प्रश्न संख्या 23, मैथन जल विद्युत केंद्र झारखंड के किस जिले में स्थित है, तो उत्तर हो जाएगा धनबाद, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, झारखंड में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना है, ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 12.1%, नहीं। और एक लास्ट सवाल, झारखंड में चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, उत्तर हो जाएगा हजारीबाग। झारखंड में जो है चावल अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, तो हजारीबाग आपका उत्तर हो जाएगा। तो यह था आपका आज के मॉक टेस्ट का टोटल 25 प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि 2500 प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल ना भूले, और चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके स्क्रीन पर पहुंचता रहे। और जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वह भी स्टूडेंट एलीट के नाम से ही है। फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किए हैं, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, हर जगह कुछ न कुछ आपको मिलता रहेगा। चलिए फिर हम लोग का मुलाकात होगा अगले मॉक टेस्ट के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।